नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। NDRF, SDRF और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एयरफोर्स पुलिस के जवानों द्वारा किया गया मॉक ड्रिल। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। टीम वर्क के साथ सफलता पूर्वक हुए मॉक ड्रिल को देख कर लोग रह गए दंग। भारत सरकार के वन विभाग और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सर्किट हाउस में पौधारोपण कर अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। भाई की पिटाई की शिकायत करने गए युवक की पीट पीट कर की गई हत्या। मामला गुलेरिया थाना क्षेत्र के शिवपुर शहबाजगंज का। SP नॉर्थ ने कहा, मामले में गुलेरिया थाना में हत्या का दर्ज किया गया है मुकदमा। एक अभियुक्त को लिया गया है हिरासत में, बाकी अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है प्रयास। जल्द होगी बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। ADG जोन अखिल कुमार व मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने मुख्यमंत्री जनता दर्शन व IGRS पर आई शिकायतों के फरियादियों के समस्याओं की जनसुनवाई। बारीकी से सुनी फरियादियों की समस्या, विवेचक से जाना पूरा मामला, समस्याओं को समय से निस्तारण के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी पड़ने वाले पर्व कावड़ यात्रा व बकरीद को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। SSP ने कहा, त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी पुलिस कर्मियों के साथ की जा चुकी है बैठक, दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार NG की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जन शिकायतों के निस्तारण पर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जन शिकायतों का निस्तारण ही पुलिस की है पहली प्राथमिकता। यदि कोई फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर थाने व अधिकारियों के पास है जाता तो उसकी समस्याओं का वहीं पर किया जाए निस्तारण, फरियादी को ना लगाने पड़े कार्यालय के चक्कर। जनपद के ग्राम पंचायतों में क्लस्टर रोस्टर हुआ जारी। ग्राम पंचायत अधिकारियों को दूर नहीं करनी पड़ेगी ड्यूटी, नजदीक मिलेगा सभी गांव। छह जुलाई को हत्या के आरोप में वांछित अभियुक्त विकास उर्फ राम चेलू को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग कोचिंग का हाटा विधायक मोहन वर्मा ने किया उद्घाटन। कोचिंग के डायरेक्टर कोलंबस वर्मा ने कहा, अमीर हो या गरीब, छात्र सभी को दी जाएगी एक समान शिक्षा। और पिपरौली स्थित माध्यमिक विद्यालय का CDO संजय कुमार मीणा ने निरीक्षण कर किया पौधारोपण। प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को रामगढ़ ताल पर NDRF जिला आपदा प्राधिकरण एयरफोर्स पुलिस के जवानों द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जनपद में 400 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं, वहीं 150 गांव मेरुंड हो जाते हैं। जनपद के आसपास क्षेत्रों से 7 नदियां गुजरती हैं। ऐसे बाढ़ से प्रभावित लोगों को बरसात के सीजन में जनधन से होने वाली हानि से बचाने के लिए यह मॉक ड्रिल किया गया। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसे लोग देखकर दंग रह गए। हेलीकॉप्टर से भी बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया और राहत सामग्री पहुंचाकर मदद पहुंचाई गई। बाढ़ के समय साहस के साथ एयरपोर्ट फोर्स NGRF पुलिस के साथ सभी विभाग, जिला प्रशासन और जिला आपदा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार राहत और मदद पहुँचाया गया।
वहीं चंपा देवी पार्क और महंत दिग्विजयनाथ पार्क में भी लोगों की बाढ़ग्रस्त होने का सीन क्रिएट किया गया। इस दौरान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से आए जवानों ने रेस्क्यू करके रामगढ़ झील में फंसे लोगों को बचाया तथा वहीं ताल में डूब रहे लोगों को भी बचाया गया और जरूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। रामगढ़ ताल जेट्टी पर टीम द्वारा लोगों को बाढ़ से बचाने का प्रयास किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि हर बार बाढ़ में इमरजेंसी की सिचुएशन बनी रहती है। बाढ़ में किसी भी तरह की जनहानि, पशु हानि, धन हानि ना हो, इसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में मॉक ड्रिल हो रही है, जहां पर नाव और स्टीमर से लोगों को नहीं बचाया जा सकता, ऐसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाने का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। एनडीएमए, एसडीएमए और जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि 150 गांव हल्की बारिश से ही मेरुंड हो जाते हैं, ऐसे में सभी विभाग के समन्वय के साथ आपदा राहत के समय कार्य किया जाता है। टीम वर्क के साथ मॉक ड्रिल करने से आपदा के समय काम करना आसान हो जाता है। इस अवसर पर एडीजी अखिल कुमार, कमिश्नर रवि कुमार, एनजी डीआईजी जे रविंद्र गौर, एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट पीएल शर्मा सहित अपर नगर मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट पीएल शर्मा एवं एसएसपी गौरव ग्रोवर और जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, हमारा जो ये मॉडल है, ये तो हम अभी तो वर्क कर रहे हैं, आप लोग बीच से हट जाए जिससे संबोधित कर सके, आप लोग किनारे हो जाए। सभी यहाँ पर इस सूचना पर एकत्रित हुए हैं जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र में बाढ़ की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें जल स्तर बढ़ गया है, जिस कारण से जो बस्ती का एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पानी का जल स्तर बढ़ा है, जिस कारण से वो जो मुख्य हमारा क्षेत्र है उसे कट गया है। यहाँ पर इस समय हमारे पास फोर्स के रूप में एनडीआरएफ, पीएसी, जिला पुलिस और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके राहत और बचाव कार्य में लगे हुए सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि जो भी लोग बाढ़ के कारण कटे हुए एरिया में फंसे हुए हैं उनको सभी को सेफली रेस्क्यू करना, उनको सुरक्षित स्थान पर लाना, जो राहत सामग्री है उसको उन तक पहुँचाना और अगर किसी को मेडिकल एड की आवश्यकता है वो उसको पहुंचाना, विशेष रूप से अगर कोई बुजुर्ग है, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं या ऐसे व्यक्ति जो चल फिर नहीं पा रहे हैं उनको विशेष रूप से रेस्क्यू करना। हमारे पास इसमें सबसे जरूरी चीज है जो भी हमारी एजेंसी में लगी हुई है, चाहे एनडीआरएफ है, पीएसी है, जिला पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन वायरलेस सेट के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से सभी लोग कांटेक्ट में रहेंगे। मैं आपके इस पूरे कार्रवाई को ऑपरेशन चीफ के रूप में, एसएसपी गोरखपुर के रूप में यहां पर उपस्थित हूं, लगातार आपसे कोऑर्डिनेशन रहेगा और मैं भी डायरेक्ट करता हूं एनडीआरएफ और पीएसी की टीम को यहां से मूव करें और जिस तरह से आपको पहले से बताया गया है और जो एसओपी पहले से आपको ब्रीफ है उसको फॉलो करते हुए सभी लोग अपनी अपनी कार्रवाई करेंगे और मेनली कोऑर्डिनेशन बनाए रखेंगे। थैंक यू। मेरे को आपको कहाँ से
ये सर ये तो सिविल पुलिस हो गया, ये रेवेन्यू का स्टाफ हो गया हमारा ट्रेनिंग दिया हमने, और ये नागरिक सुरक्षा की उसका खरीद हो गया, आप लोग का प्रोक्योरमेंट हो गया, टेंडर भी हो गया सर सरप्लस, अगर सरप्लस ही प्लान कीजिएगा ताकि उसको बाल विकास और पुस्तकालय है इनका की रोल रहता है, इनका कैंप लगता है, जैसे दो बच्चे आए हमारी गाड़ी के बैग में पड़ा तो उन बच्चों के लिए है सर कि जो बच्चे हमारे राहत केंद्र पर आए हुए हैं उनको ये लोग फोन कर लें और जो भी हमारी व्यवस्थाएँ हैं इसमें अच्छा ये हाँ हम लोग ये रिजल्ट बता क्या क्या रखते हैं, ये सब नादान ये एसडीपी बैग और ये सर जियो बैग है, उधर सर रखा हुआ मोरंग है बिजली है मोरंग का गिनती है कितना बताओ सर, मोबिलाइज हो गया है ना आप लोग कितना 55 जगह आप लोगों ने रखा है इधर आ जाइए आप भी आ जाइए सर, कटिंग स्प्रेडिंग दोनों करेगा दोनों और ऊपर ले लो यार करके ला रही है, नागरिक को कोई बीमारी है उनको सुरक्षित सहारा दे करके पीछे बसेज लगी हुई है वहां तक ले जाएं, बीच से रास्ता छोड़ दे जिससे उनको आसानी से ले जाया जा सके, जल्दी ले जाएं, एक बार बीच का जगह, एक व्यक्ति घायल है उसको कंधे जाइए, इनको फर्स्ट एड
जल्दी दूर जब ना बनाओ ना खाली जल्दी ले जाइए फर्स्ट एड के लिए। आगे ना बढ़े आप रास्ता दें, एक महिला है घायल उनको ले आना है। पीएसी के यहाँ हेड कौन है? पीएसी नहीं पहनाया, नहीं वो वहाँ देख लिया गया, लाइव देखा जा रहा है। सभी लोग जो नेम सर आपको बताना चाहिए भी लोग फंसे थे, लगभग 25 लोग थे, पीएसी और एनडीआरएफ ने उनको बचा करके यहाँ ले आए हैं। जो लोग मामूली तौर पे घायल या बीमार है उनको फर्स्ट एड के लिए वहाँ ले जाया गया है। अभी पता चला है कि एक व्यक्ति पानी में डूब गया है, उसको तत्काल बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम। थोड़ा रास्ता बना दीजिए, रास्ता बना निकलने के लिए रास्ता बना दें। और ये दो तीन मेहनत से हमको और टीम कमांडर गोपी गुप्ता साहब को मैं अभी हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसको रेस्क्यू करेंगे, हमारे बारे में ब्रीफ करें। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं जो डूब रहा था उसके गर्दन को एक तरफ कर देते हैं, दोनों पैर को करते हैं और दोनों पैर को ऐसे करके पुश करते हैं जिससे पेट के अंदर सर्कुलेशन ब्रीथिंग एयरवे इसलिए चेक करते हैं। एयरवे का मतलब है कि हार्ट और लंग्स को खुलर ब्रीथ करना, जिसमें 30 कंप्रेशन और 2 बार ब्रीथिंग दिया जाता है। कंप्रेशन में होता है वो क्यों है लाइव है, इसलिए हम मेनी क्वीन पे हमारा रेस्क्यू द्वारा इसका प्रदर्शन करके दिखाया जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 के बाद 30वां बार जो होता है वो ब्रीथिंग देते हैं। ऐसी कार्रवाई 5 सर्कल किया जाती है, 30 कंप्रेशन, 2 ब्रीथिंग और 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
बोट कैप्साइज होता है या गांव से बड़े हुए बोट जब पलट जाता है तो उसमें से हम रेस्क्यू करने के बाद हमारे पास जो स्पेशलिस्ट बोट आते होते हैं अरे अरे पीछे पीछे अब अगर घुस जाएंगे तो हम लोग पीछे से हर के हेल्प करेंगे हम लोग फिर दौड़ क्या पाएंगे नहीं हम लोग चलो पीछे चले यार जगह बना दो देख सकते हैं वहां एनडीआरएफ कैंप में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी देख सकते हैं इसलिए कि उनमें से आप लोगों पे ऑनलाइन ये प्रसारित हो रहा है भीड़ मत लगा पलट जाएगी वो
आने वाले मानसून स्तर को मद्देनज़र रखते हुए NDMA की गाइडेंस और SDMA के जो कोऑर्डिनेशन से
40 डिस्ट्रिक्ट में साइमल्टेनियसली आज फ्लड सिनेरियो पे एक मॉक ड्रिल किया गया है, जिसमें गोरखपुर में भी एक सारी एजेंसी ने मिलकर मॉक ड्रिल किया है। इस मॉक ड्रिल का मेन उद्देश्य आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना और अपनी तैयारियों का जायज़ा लेना है, ताकि अगर एक्चुअल में जब बाढ़ जैसा सिनेरियो बनेगा तो उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ और कम से कम समय में पहुंचा सकें, यही इसका मकसद था। सर, बाढ़ को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई आपकी तरफ से और अलग से? NDRF की बात करें तो हमारे पास सफिशिएंट टीम्स और रिसोर्सेज यहाँ रहते हैं, स्किल्ड मैन पावर रहती है, और जिस तरह की सिचुएशन बनती है उस तरह से हम टीमों को और कोऑर्डिनेट करके भी डुबाए। जैसे आपने देखा होगा 2017 में हमने देश के दूसरे शहरों से भी NDRF को यहाँ बुला के बहुत अच्छा बेहतर प्रबंधन किया था, और जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने और राष्ट्रीय स्तर पर भी NDRF को सराहा गया था। देखिए, जनपद गोरखपुर में आगामी समय में बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए एक मेगा फ्लड मॉक ड्रिल का यहाँ पर आयोजन सभी जो हमारे अधिकारी हैं उनके पर्यवेक्षण में, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके यहाँ पर प्रेजेंस में, और जो भी हमारी फोर्सेज हैं उनके कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर आज रामगढ़ ताल पर संपन्न किया गया है। इसमें विशेष रूप से हमारी NDRF, SDRF और साथ में PAC, जिला पुलिस, जिला प्रशासन, एयरफोर्स और बाकी तमाम जो हमारे सिविल डिफेंस और अन्य जो संस्थाएं हैं उनके बड़े ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ आज पूरी इस ड्रिल का यहां पर एक प्रैक्टिस किया गया है, जिसमें ना केवल जो बाढ़ग्रस्त एरिया हैं वहां से जो फंसे हुए लोग हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए, उनका कैसे पुनर्वास किया जाए, बल्कि अगर किसी दुर्घटनावश कोई जो बोट है उस तरह से पानी में डूबती है तो कैसे एयरफोर्स की कोऑर्डिनेशन से लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। इस पूरी कार्रवाई का पर्यवेक्षण यहाँ लोकल लेवल के साथ साथ SDMA और NDMA द्वारा भी उच्च स्तर पर किया गया है, और मुझे पूरी आशा है, हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि अगर आगामी समय में ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से और बड़े ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ हम लोग उसको उसका सामना करने के लिए और उसको उसमें लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए सक्षम है, और सारी प्रोसेसेस को फॉलो किया जाएगा। सर, देखिए, बिल्कुल कमांड सेंटर बनाया गया है जहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, जिसका जो जो रोल है वो बिल्कुल डिफाइंड है, क्रिस्टल क्लियर है, और सभी अधिकारी अपने अपने रोल को निभाते हैं। कोई भी आपातकालीन स्थिति को सामना करने के लिए और लोगों की सुरक्षा करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। बेसिकली आज सभी विभागों को सूचित किया गया है कि आपदा प्रबंधन में सभी को एक ट्रेनिंग भी कराया गया है, एंड जनरली लोग यहाँ फील्ड में काम भी करते हैं, तो इसके कुछ फिक्स SOPs होते हैं कि अगर इसी टाइप का कोई सिचुएशन आता है तो पूरी टीम कहाँ इकट्ठा होगी, कौन सबसे नियरेस्ट रिसोर्स पॉइंट होगा, कहाँ से हम लोग गाड़ी मोबिलाइज करेंगे, और सब कहाँ एक जगह इकट्ठा होगी। इनफैक्ट बहुत सब टाइम ऐसा सिचुएशन होता है कि लोग मोबाइल नेटवर्क एरियाज में रहते हैं, तो अगर SOPs मालूम होगा तो लोग वहाँ पे पहुँच के उसके बाद जाके जो कार्रवाई है वहाँ, क्योंकि टीम वर्क रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो वहाँ से कार्रवाई करना बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने इसी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए आज एक मॉक ड्रिल किया था, जिसमें NDRF की टीम थी, यहाँ के वॉलंटियर्स थे, पुलिस थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, तो रामगढ़ ताल में हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया था, लोगों को कुछ जगह आइडेंटिफाई किया था, वहाँ से हम लोगों ने किस तरह से लाना है, कहाँ पे उनको भेजना है, किसको फर्स्ट एड किट कैसे कराना है, क्या SOPs होगा, किसको राहत केंद्र कब भेजना है, तो ये हम लोग का एक ड्रिल था जो आज हम लोगों ने सकी। ये हम लोगों का आइडेंटिफाइड विलेजेस है, काफ़ी लोग, काफ़ी गांव हैं, अराउंड 150-155 गांव हैं, तो ऐसे हैं जो नॉर्मल रेंज में भी मरहूम हो जाते हैं, तो ये सारे गाँव हमारे चिन्हित हैं, तो सारी एक्टिविटीज प्री प्लान्ड है कि अगर गाँव मरहूम होता है कि वहाँ पे कौन आदमी क्या काम करेगा, जैसे अगर पानी चेतावनी लेवल पे है तो वहाँ पे कितने लोग वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगे, पुलिस के, हेल्थ के और एडमिनिस्ट्रेशन के, तो ये सारा हमारा ड्रिल किया हुआ था, आज एक कॉमन एक्सरसाइज था, बट जब फील्ड में रिक्वायरमेंट होगी तो जहाँ जहाँ जैसा जरूरत होगा उसके लिए टीम डिप्लॉयड है। थैंक यू। भारत सरकार के वन विभाग और खाद्य निगम के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने गुरुवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ पौधारोपण कर बैठक की, जिसके संबंध में खाद्य निगम के प्रबंधक आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि भारत में खाद्य निगम की मंडल स्तर पर जो भी कार्यप्रणाली है और भारत सरकार द्वारा जनहित में जो भी प्रोग्राम चलाए गए हैं उसकी समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त राशन बांटा जा रहा है
है उसकी समीक्षा की गई है तथा कार्यों की सराहना की गई है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम की जो प्रणाली है, भंडार गृह है, उसकी भी जानकारी ली है, क्योंकि जो खाद्य विभाग के गोदाम है वह पूरी तरह से साइंटिफिक है। उन्होंने आगे के कार्यों को करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खाद्य निगम के प्रबंधक आदित्य कुमार सिंह और भारत सरकार वन विभाग और खाद्य निगम के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, ये क्या है? ये तलवा हेलीपैड है। हेलीपैड से आए अभी तुरंत उतरे हेलीकॉप्टर से। अगले बार आऊँगा ना तो आपके फॉरेस्ट में रहूँगा। अच्छा, फॉरेस्ट में देखने भी जाऊँगा। क्या वन विभाग को देखने भी जाऊँगा। चिड़ियाघर भी है, गंगा में तो एक ही पेड़ लगे हर श्रृंगार और नीम, ये दोनों तो औषधि हर श्रृंगार ही। आ जाओ भाई डीएम का, हमारे सब लोग आ जाओ। अरे कर लेंगे लो। देखिए एक बार सब कुछ मिलाओ कुछ बताओ। दस पुत्र के समान एक दस पुत्र का जितना लाभ मिलता है उससे एक वृक्ष लगाने का लाभ है। जी मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है और मैं यहाँ पे प्रबंधक हूँ। माननीय मंत्री जी द्वारा भारतीय खाद्य निगम की मंडल स्तर पे जो भी कार्यप्रणालियाँ हैं और भारत सरकार द्वारा जो भी जनहित में जो भी प्रोग्राम या कार्यक्रम चलाया जाता है उसकी एक समीक्षा की गई है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः NFSA और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत में जो भी मुफ्त राशन गरीबों को बांटा जाता है उसकी समीक्षा की गई है और उसकी सराहना की गई है। इसके अतिरिक्त मंत्री जी ने भारतीय खाद्य निगम की जो कार्यप्रणाली है, जो हम लोगों ने नया इसमें एक IT को जो इन्वेंशन के साथ जो पारदर्शिता लाए हैं उसकी भी तारीफ़ की है, जैसे कि डिपो ऑनलाइन और सभी प्रकार के जो पेमेंट्स हैं, सभी प्रकार का जो खाद्यान्न का रिसीव करना या उनको निर्गमन करना, ये सभी चीज़ें पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं जिसकी उन्होंने सराहना की है। इसके अतिरिक्त मंत्री जी ने भारतीय खाद्य निगम के जो
भंडार गए हैं, इनकी WDR की रैंकिंग की भी समीक्षा की है, जिसमें उन्होंने पाया कि जो हमारे जो अब गोदाम है पूरी तरीके से साइंटिफिक है और वो दिन पर दिन अपग्रेड हो रहे हैं विश्व स्तर के। और मंत्री जी ने आगे के लिए हम लोगों को एक नया मार्गदर्शन भी दिया है कि हम आगे कैसे इस निगम के माध्यम से जनमानस की सेवा करें। देखिए, मुख्य रूप से आज जब गोरखपुर में पहली बार नए प्रभार मिलने के बाद मैं पहली बार आया हूँ, यो कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक भी कार्यक्रम है और मैंने प्रातःकाल आज अपने जो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट है, DFO हैं वन विभाग के यहाँ के, और साथ साथ हमारे खाद्य आपूर्ति के जो डिविजनल मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर हैं, और जितने भी हमारे यानी कि दोनों मंत्रालय के, मैंने एक जानने के लिए एक समीक्षा, संक्षिप्त समीक्षा बैठक भी हमने इनके साथ किया, बहुत सारी जानकारी भी मिली और बहुत चीज़ों के बारे में हमें अच्छा लगा। विशेष करके उत्तर प्रदेश सरकार, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वनों के आच्छादन के लिए देश भर में जो हमारा अभियान चल रहा है कि हम 33% का लक्ष्य जितना जल्दी से जल्दी हो उसको प्राप्त करें। आप जानते हैं कि देश में अभी लगभग 19-20% हमारा वन आच्छादित है, उसे 33% करना है। उत्तर प्रदेश में जहां हमारा पूरा उत्तर प्रदेश में कुल मिला करके 9% के लगभग जी वन आच्छादन है, और जो जहां हम बैठे हैं गोरखपुर जो मंडल है, गोरखपुर मंडल ये एवरेज जो है 3% का वन आच्छादन है। मुझे खुशी है कि इस वर्ष जो लक्ष्य बना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एक विकास की फुलझड़ियाँ आगे बढ़ी है, और हर क्षेत्र में हर विभाग में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब समीक्षा कर रहा था इनके लगभग 24 से 25 विभागों की ओर से वन लगाने का योजना बना करके किनको कितना लगाना है इसकी पूरी तरह से और कितना लगा रहे हैं, तो मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 35 करोड़ पौधारोपण का काम अभी 15 अगस्त तक पूरा कर ले रहा है, जिसमें लगभग इन्होंने 70% कर लिया है पूरे उत्तर प्रदेश में। और जहाँ तक गोरखपुर मंडल की बात है तो गोरखपुर मंडल में 1.59 करोड़ ये गोरखपुर के मंडल में, और इसके गोरखपुर जनपद में 50.63 लाख पौधारोपण हो रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी योजना है, हर साल योजना बनाते हैं, पिछले बार से काफ़ी हमने बृहद पैमाने पर योजना बनाई है। उसी प्रकार से भारत सरकार की जो नगर वन योजना है, देश भर में हम 1000 नगर वन बनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कहिए कि उन्होंने इस वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए लोग शहरों में गांव में कुछ हद तक का खुले खुले ऑक्सीजन मिल भी जाता, शहर के अंदर बहुत परेशानियां होती थी, तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से हमने 1000 नगर वन बनाने का योजना बनाई है, जिसमें हमारे इस गोरखपुर मंडल में दो नगर वन योजना हमने स्वीकृत किया है। वो लगभग 50-50 हेक्टेयर का दो क्षेत्र है और वो नगर वन वहाँ आच्छादित किए जाएंगे। आप जानते हैं कि 2070 तक हमें प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया को कहा है कि हम 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो करेंगे, तो हमें जितना वृक्षारोपण हम करेंगे तो कार्बन का उत्सर्जन इससे ज़्यादा मतलब कहीं नहीं हो सकता। तो पेड़ वृक्ष लगाने का एक तो हरियाली भी रहे, जलवायु परिवर्तन में भी हमारा सहयोगी होगा, और आज जो हम देख रहे हैं हर प्रकार का
उन चीज़ों में। और मुझे खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश ने जहाँ नगर वन के अलावा शक्ति वन भी लगाए महिलाओं के द्वारा और काफ़ी अच्छा फिगर, साथ साथ बाल वन, युवा वन और खाद्य वन, जो इस प्रकार से खाने योग्य जो चीज़ें हैं वो पौधे, तो इसकी भी स्थापना की गई है। एक सबसे बड़ी बात है कि पक्षियों से प्रेम करना, पशु पक्षी हमारे लिए बहुत ही वाइल्ड लाइफ का जो काम है देश भर में, तो हमने बल दिया हमारे यहाँ वनस्पति से लेकर के जीव जंतु सबको हम लोगों ने महत्व दिया है। हमारे प्राचीन काल से, ऋषि मुनि काल से ही आप जानते हैं कि भाई यह देश बहुत ही कह सकते हैं कि जो सबका ध्यान रखता हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। तो मुझे खुशी है कि यहाँ पर जो रामतल है, जो मैं तालाब देख रहा हूँ, इसकी भी मैंने विवेचना किया है। प्रातःकाल आने के साथ मैंने, काफ़ी मनोरम दृश्य है और मुझे लगता है कि गोरखपुर में, यहाँ भी पहले कई बार पहले आ चुका हूँ, जब बिहार में मंत्री था उस समय भी आता था, विधायक था उस समय भी आता था, भारत सरकार में जब स्वास्थ्य मंत्री रहा तो एम्स के प्रोजेक्ट को जब हम लोगों ने दिया उसमें भी आया था। लेकिन मैं देखता हूँ कि बदलता हुआ गोरखपुर, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, यह जो स्थिति है ये बहुत ही सुखद अनुभव लोगों को हो रहा है। और यह जो प्रोजेक्ट है इसमें वेटलैंड के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको किया है, और आगे रामसर प्रोजेक्ट भी हमारा बगल में बखीरा में रामसर प्रोजेक्ट भी है। हम आज़ादी के 75वें वर्ष में 75 इस प्रकार के पूरे देश भर में 75 रामसर प्रोजेक्ट वेटलैंड का लेने जा रहे हैं, जिसमें हमारे अभी लगभग 53-54 हम प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम वेटलैंड को भी बल दे रहे हैं। खुशी की बात है, गोरखपुर के जो कैंपियर गंज है उसमें रेड हेडेड जो गिद्ध है, जिसका लाल मतलब ऊपर में जो लाल मुंह का जो होता है गर्दन पर, तो रेड हेडेड गिद्ध उसको बोलते हैं, आज गिद्ध प्रजाति समाप्त हो रहा है। वो बिरले इस प्रकार के प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने काफ़ी बल दिया है और उसकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है। ये देश का पहला सेंटर होगा रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण केंद्र, ये पहला सेंटर होगा। लगभग 15 करोड़ का वो उसमें लागत है। तो भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ के द्वारा इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से करने का निश्चय लिया है। शुरू हो गया मंत्री जी? हाँ, इस पर बनना शुरू हो गया है। कुछ बजट का अभाव अभी? नहीं, बजट का अभाव नहीं है जी, सेंसन बजट जो सेंसन के स्टेज में जो होता है, हमारे यहाँ बजट का अभाव न तो केंद्र में है न उत्तर प्रदेश सरकार में, इसलिए बजट के बारे में मत पूछिए। हम करने वाले लोग हैं, विल पावर हमारा स्ट्रांग है, हम उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखने वाले। उसी प्रकार से राष्ट्रीय बम्बू मिशन, ये एक बहुत बड़ी योजना है देश भर में, और इस बम्बू मिशन के द्वारा हम किसानों को बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं। हम 50% किसानों को मतलब बम्बू मिशन के तहत हम उनको लगाने के लिए पौधे देते हैं, और उससे लागत भी काफ़ी होता है। महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है उसके द्वारा इस मंडल में लगभग 2 दर्जन महिलाएं उसका लाभ उठा रही हैं और उनको रोज़गार मिल गया है। और बम्बू मिशन से हम उस प्रकार के काम इस गोरखपुर मंडल में भी काफ़ी बढ़ाने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो बंजर जमीन है, भूमि है, उसमें भी हम जो कुछ उपजाते नहीं हैं, तो हम बम्बू मिशन के द्वारा हमें बहुत बड़ा लाभ भी भविष्य में मिलेगा और अभी भी मिल रहा है, तो ये एक सुखद है। इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का हमने अभी ये किया है। जहाँ तक खाद्य आपूर्ति मंत्रालय भी हमारे साथ में है, तो हम जो मुख्य रूप से खाद्य आपूर्ति और आपका इन चीज़ों में काफ़ी मैंने जो विवेचन किया है, तो इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो भारत सरकार का
ये छठा फेज सितंबर तक हम मुफ्त अनाज शवों को दे रहे हैं। और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फ्री अनाज देने का काम किया झोला भर के, तो हम जहाँ प्रत्येक परिवार को 5 किलो प्रत्येक सदस्य को हर महीने मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना ये स्कीम चलाया था। और मुझे सुखद अनुभव है कि अभी कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 25 महीने में 999 लाख मेट्रिक टन यानी कि लगभग 1000 मेट्रिक टन अनाज हम अभी तक खाद वितरण पूरे देश में, जिसका मूल्य लगभग 3.40 लाख करोड़ होता है, ये हमने वितरण किया है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारा जो यह है छठे चरण में हम 76,500 मेट्रिक टन निःशुल्क हमने वितरण किया है 220 करोड़ का, जिसकी कीमत 220 करोड़ होता है। तो मंथली ये वितरण हमारा गोरखपुर मंडल में ये हमारा वितरण हो रहा है, ये एक सुखद है। जहाँ तक गेहूं खरीद का जो वर्ष 22 था इसका, इस गोरखपुर मंडल में एक बहुत बड़ा हमारे जो FCI के द्वारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इस क्षेत्र में हमने 16,800 किसानों को लाभ पहुंचाया है, और जिसमें 75,000 मेट्रिक टन हमने खरीद किया है, और कुल मिलाकर के MSP प्राइस जो है 149 करोड़ का हमने गेहूं में खरीफ में हमने भुगतान किया है, गेहूं वाले में रबी वाले में। और मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो 90,000 मेट्रिक टन लगभग प्रतिमाह हमारा गेहूं और चावल का वितरण होता है, यहाँ पर जो हमारा भंडारण क्षमता है हमने उसको काफ़ी देश भर में विकसित किया है, और उत्तर प्रदेश सरकार भी काफ़ी इसको जहाँ स्टेट फूड कॉरपोरेशन के अलावा जो सेंट्रल फूड कॉरपोरेशन है या वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, और इन सब के अलावा भी हमने PEG योजना है जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, साइलो भी हमने बनाने का तय किया है। गुलहरिया थाना क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज में भाई के पिटाई की शिकायत करने आरोपी के घर गए युवक को पीट पीट कर मार डाला। आपको बता दें कि बुधवार की शाम को सुभाष का छोटा भाई सब्जी लेने गया था, जिससे वहां पर कुछ युवकों ने सुभाष के छोटे भाई रामकिशन से मारपीट की, जिसकी शिकायत करने सुभाष गुरुवार को युवक के घर गया, जिस पर युवक के घर वालों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे सुभाष बुरी तरह से घायल हो गया, जिसको लखनऊ ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि 6 जुलाई को गुलहरिया थाना क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज में सुभाष चौहान को उसके घर के बगल के लोगों ने पीट दिया था, जिससे वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे लखनऊ ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। जिसके संबंध में गुलहरिया थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, जल्द ही बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, क्या मामला है? झगड़ा हुआ, कोई काम मार दिया, समझ रहे हैं काम का किया इस पता ना। कल दिनांक 6/7 की रात में गुलहरिया थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुर सहबाजगंज में एक व्यक्ति सुभाष चौहान को उसके बगल की बस्ती के ही कुछ लोगों ने मारपीट दिया था, जिसको लखनऊ ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना गुलहरिया पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा नामित अभियुक्तों में से एक अभियुक्त की को अभिरक्षा में लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।
की व्यवस्था का है। एडीजी जोन अखिल कुमार व मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने गुरुवार को एनेक्सी भवन के सभागार में मुख्यमंत्री जनता दर्शन व आईजीआरएस पर आई शिकायतों के फरियादियों की जनसुनवाई की। इस दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार ने जनपद के दक्षिणी उत्तरी व शहर फरियादियों व संबंधित थानाध्यक्षों से बात की तथा उनके परेशानियों को जाना। एडीजी जोन ने फरियादियों की समस्याओं को बारीकी से सुना तथा जिन मामलों में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी, जिससे बार बार फरियादी मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में रहे थे, उस मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा, कोई भी थाना अध्यक्ष बिना एसएसपी के परमिशन के क्रॉस केस दर्ज नहीं करेगा। यदि कोई फरियादी किसी थाने पर जाता है तो उसकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए। यदि फरियादी उस थाने का नहीं है तो संबंधित थाने व सीओ को अवगत करा दिया जाए, जिससे फरियादी की समस्याओं का समय से निस्तारण हो सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी गौरव ग्रोवर, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित जनपद के सभी थाना अध्यक्ष व फरियादी मौजूद रहे। इसको अभी बात हो चुकी है यार, ये कई बार हमारे पास आ चुके हैं। अब सीएम साहब ने इनके यहाँ बड़ी जघन्य हत्या खत्म करो अपराधियों को। आपसे सर बात शेयर करने बात, ये कोई रिटेन इनसे ले लीजिए सर, इन्होंने ये दिया कि उनकी बेटी के लिए रजिस्ट्री है आगे लो। अच्छा सर सर अरे अब समझौता इन्होंने एफिडेविट दे दिया है सारे जेल चले गए हैं। अब इन्होंने एफिडेविट दे दिया है अपना, अब हमें पता कर दें नंबर ये गैंगस्टर लग गया उन्होंने। हाँ सर 14 की कोर्टी हो गई है, 14 कभी नहीं हुआ, 14 कराइए ठीक है। आपके नोडल पॉइंट है इसकी साउथ रहिए ठीक है ना। ये आप इनको अरुण साहब इंश्योर की टेंशन क्या हुई है, आप पैरवी कर रहे हो, कितनी बार दरखास्त लेके अरुण मुख्यालय आए, उससे मिले हो, एस पी साहब से मिले हो, एस पी साहब से मिले हो, कितनी बार आए हो टोटल? 25 बार मिले थे। इस तरह के मामलों में जहाँ बात हो जाए हम लोग भी कह दिए तो भी तुरंत एक्शन क्या होना चाहिए। निवासी कोटी राम थाना गढ़ा जनपद गोरखपुर। सर इनके पति करीब 8 से 10 साल पहले सर विदेश गए हैं, पहले बात ही है सर आए नहीं है सर। आपको लिख के दे दी है सर, उनका पति बाड़ी आनी थी, बाड़ी आ गई या संस्कार हो गया, अपने कोई परेशानी ना लिख के दिया था, नहीं होगा सर लिख के दे पहले ही करा लो ना यार सर, फीडबैक ना सर कुछ आपके बता रहे आने से पहले अगले हैं सर। ये जो ऋषि कुमार प्रभाकर कुकुर संदीप राम प्रकाश इत्यादि हैं, ये यूनिक ऐसा लगाया और प्लस जो सब विभाग दिखाए लोगों को, लोग इनके गले पकड़ रहे हैं, इनका फंसा ही फंसा है सर। ये चाह रहे हैं कि सर फायदे में दिए भी जाने वाले थे लेकिन अब वो सर पहला प्रश्न तो इन्होंने किया उसके ऊपर सर, बाकी लोगों ने इनके माध्यम से उनको ये ठीक है ये अपना भी हुआ है फिर पब्लिक इनके खिलाफ दिखाती है तो आप इनके खिलाफ लिख दीजिए सर। बट मुकदमा प्रणव फेस किया ना, इन्होंने कहा सर हम भी पैसा लगा के हम भी फंस गए लगाए सर हम भी पैसा लगाए, ये कहे कि क्या ना ये इनके साथ गड़बड़ हुआ फेर है ना, अब उसमें घुमा फिरा क्या सर, जिसको हम पैसे दिए हैं उसको कह रहे हैं उसको ही गोरखपुर में है आ नहीं रहे हम लोग जितने भी अनवर्कआउट केस है उसकी घटनास्थल निरीक्षण कर लो आने वाले समय ठीक है, और हम पूरी तरह से अलग से प्रयास करेंगे और फिर कुछ क्लूज इन्होंने बताए उसको कौन है इन्होंने बात का है किसका है सर के तौर हाँ सर पूरा जान आपको लगाना है सर सर एक तरफ लगा लो हाँ आपका बच्चा समझिए और पूरी जान लगाइए सर ठीक है ना, किसी का 6 साल का बच्चा पता पड़ जाए पता ना चले तो ये ज़्यादा बात दुर्भाग्य है, हमारी तरफ से नेक पियर से प्रयास होगा सर ठीक है ठीक है। और सर एक इनका चेक का मामला है, चेक पे इनके साइन है, ये कह रहे हैं कि इनसे जबरदस्ती साइन कराए गए हैं, जो विपक्षी है उन्होंने NIA एक्ट से इन पे 138 का नोटिस भेजा है और 138 का नोटिस आने से पहले तक ये पुलिस में आए नहीं थे,
ना तो जब इनसे पैसे का लेन देन हुआ है, ना तो जब इनसे चेक पे साइन कराए गए, ये कभी नहीं आए। उसके बाद जब इनके पास नोटिस आया तो ये थाने पे आना शुरू किए। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है सर, ये जो बता रहे हैं 70,000-50,000 इनका कोई सर रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, ऐसे 25 आने के बाद इन्होंने पहली बार प्रार्थना पत्र किया है जी, बाद ये थाने पे आने शुरू हुए, उसी के रिएक्शन में लिया गया सर, उससे पहले ये नहीं आए। उस कागज जिस पे कह रहे हैं कोरे कागज पे साइन कराया है ना, उसका इस्तेमाल कहां किया उसने? अभी नहीं किया, अभी नहीं किया। सारे पैसे ले लिए तो हजारों में 120 नहीं मिला। पैसा लेके नौकरी के जहाँ के पैसा ले लिया, एफआईआर नहीं हुई? एफआईआर दर्ज की है सर। उनसे बात करिए, संबंधित एसपी को जरूर बता दीजिए, काला टूनी नहीं चलेगा। अगर बांस गांव का नहीं है तो बांस गांव के एसएचओ की जिम्मेदारी थी कि एफआईआर को स्वयं दर्ज करते हैं, दूसरे थाने पे दर्ज कराने हेतु अपने पुलिस अधीक्षक को संज्ञाजित करते हैं। या महिला वहां से परेशान हुई, मुकदमा कायम नहीं हुआ और उसको अपने गांव से मुख्यमंत्री जी के आना पड़ा, पैसा लगा होगा, दिन खराब हुआ होगा, परेशानी हुई थी, क्यों? क्योंकि एक जांच काम के लिए वो जा रही है। इस व्यवस्था को सुधारिए आपको। हाँ, नाम क्या नाम है आपका? रेखा देवी। अब आप क्षेत्र अधिकारी कौन है? अनिल जी, इनका नंबर रखिए। सर पे लगा हुआ सांप ले जाए तो 3 साल होना चाहिए सर पे, मान लीजिए मैं लाठी मारूँ आपको क्या लिखे जाए मुझे पूरी बताइए, मैं आपको आता है लाठी सर पे डालता हूँ क्या लिखेगा? सारी 1908 क्यों लिखती है समझ नहीं आता। 307 लिखिए, सर पे कोई चीज हेवली मारेगा नहीं मर सकता, 308 कहाँ से दिमाग में आ जाता आपको बोलिए, डिस्क्रिप्शन कहाँ से आपको रखती है? पहली बार धाराएं गलत लिखी है, धाराएं सही लिखिएगा तभी तो जेल जाएगा। आप 308 लिख दिया, अब कह रहे कि सर 7 साल की सजा हम करेगा, अरे स्थिति हुई होगी 308 लिख दिया, मालूम है कि 395 तो अभी लिखेगी तब धारा हट जाएगा, 395 हटाने में अनुमति लिया था वही नया आयोग है, ये भी है ना धारा हटाने के लिए हमने लिखा है ना कि एसएचओ सर, सभी लोग सीओ सर लिया सर, फिर बताइए क्यों नहीं लिया, कौन आयोग है? अब समझ आएगी बात, पब्लिक से वो समझो कि वर्दी भगवान ने हमेशा के लिए दिए, न्याय करने के लिए दिया आपको, ये मामला जब आए तो सोचो कि स्वयं के साथ घटना घटी है तो क्या हो, आपके परिवार की घटी तो क्या हो, और वहाँ ऐसे जो कार्रवाई नहीं कर रहा हो कह रहे कि साहब 7 साल की सजा। भाई सी ओ साहब आपको इसलिए बने हो कि देखो इसको, इसमें सिर्फ आपकी लापरवाही मतलब हो सकती है, घूम रहा बंदा फोटो लगा के घूम रहा है क्या है, भागी कहीं बेचारा, क्लासिक केस है, जहाँ न्याय नहीं हुआ धारा लगाइए 307 नदी की तुरंत, और मुकदमे को गिरफ्तारी हो लोगों के खिलाफ, ठीक है? उनका कमेंट निकाल दिया गया सर, पहला उनका जो काफी था उसका सब कॉपी है। ये किसने कमेंट दिया? वो बच्ची पटिंग दिया था, इसका कमेंट विस्तार है बोल करके दोबारा जब हमने चेंज कराया गया और फिर उसके आधार पर उस पर लिखवाया गया सर। ये जो है ये अलग इशू है, क्रॉस वाली क्रॉस केस है सर, क्रॉस केस है सर, क्रॉस की कहानी जो है उसमें ठीक है, क्रॉस केस है सर, इन लोग पर उनका पता पर बात सुन लो, हां
हो सकता है ना हो गए तो थोड़ी देर बाद मिला ये सुनीता पांडे जी का नंबर है। ये आपने एक एप्लीकेशन दी है मुख्यमंत्री जी के यहाँ, एक आपका केस हुआ था तो उसमें आप कार्रवाई पुलिस कार्रवाई से सब अच्छी बात बता रहे हैं। संतुष्ट हूँ चलिए ठीक है, ये चेक कर रहा थैंक यू वेरी मच। अच्छे तरह जाकर के हमारे बाबा जी को गाली दे जिसका पूरी वीडियो मैंने दिया बताइए उनको मैंने दिया और उसके बाद घटना होने के बाद 100 नंबर पे हमारी माता जी फोन की उसके बाद पुलिस आई एम्बुलेंस अपने चचेरे भाई की सुभाष को अपनी वसीयत कर दिए तभी लोग कोर्ट में माता जी को काम भी कर रहे हैं। वीरेंद्र बोले कि जमीन ज्यादा थी और हम लोग दे देंगे उसमें कमाने चले गए तो वहाँ पर उनका बेटे हैं सर तो उनके चाचा लड़का फोन करा कि उनका तबीयत खराब है तो हमारे नानी हाँ हमारी जो तो रिश्तेदार है उसी को बताए थे ठीक है मैं समझ गया। आप एक काम करें तो दाखिल खारिज वाली आपत्ति कर दीजिए है ना वहाँ पर दाखिल खारिज SSP गौरव ग्रोवर ने बकरीद कावन यात्रा की तैयारियों पर कहा कि बकरीद व कावन यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है जिसके लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है तथा जनपद में एक सद्भाव तथा शांति व्यवस्था का माहौल बना रहे इसके लिए प्रयास किया जा रहा है तथा जनपद के धर्मगुरु और मौलाना है उनसे बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी आशा है कि जनता के सहयोग से आगामी त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास एवं सद्भाव के माहौल में संपन्न होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा हर पर्व और आयोजन होने हैं उस संबंध में हमारे द्वारा अपने स्तर पर सारी मीटिंग्स कर ली गई हैं जो पीस कमेटी मीटिंग है थाना स्तर पर अन्य स्तर पर ऑलरेडी कर ली गई हैं। एक सद्भाव का और सौहार्द का माहौल पूरे जनपद में बना रहे इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जो हमारे धर्मगुरु हैं जो भी इस चीज़ों के साथ इनका संपर्क रहता है उनसे लगातार वार्ता हो रही है। मुझे पूरी आशा है कि यहाँ जनता के सहयोग से आने वाले दिनों में जो भी जो पर्व और त्यौहार हैं बड़े हर्षोल्लास से और एक सद्भाव के माहौल में मनाए जाएंगे। मंडल आयुक्त रवि कुमार NG की अध्यक्षता में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक आयुक्त सभागार में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान मंडल आयुक्त रवि कुमार NG ने निर्देश दिया कि आम जनता के सुगम आवागमन के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों के भीड़ वाले रूटों का चिन्हीकरण कर उस पर नगरीय बसों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो सके। इसके साथ ही पार्किंग एवं इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग प्वाइंट नौसर सहित अन्य प्रमुख स्थलों पर बनाए जाए। उन्होंने कहा कि बसों को सड़क पर ना खड़ा किया जाए बल्कि उसे बस स्टेशन के अंदर ही खड़ा किया जाए ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना होने पाए। उन्होंने कहा कि महानगरों में शहरी परिवहन की समस्या के परिप्रेक्ष्य में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया गया है। पार्किंग विकसित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए कि नगर निगम चयनित स्थलों पर प्रमुखता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करे। इसके साथ ही उन्होंने शहर के अंदर सड़कों को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किए जाने हेतु कार्य योजना अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टिकट चोरी को रोकने के लिए आवश्यक है कि अधिकाधिक मार्ग चेकिंग कराई जाए तथा बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर दंड स्वरूप पेनाल्टी लगाई जाए। शासन द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों में नगरीय निकायों से संबंधित अनेकों योजनाएं संचालित की गई हैं। जन सामान्य के हितार्थ एवं लोक कल्याणार्थ शासकीय योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। आम जन के हित के लिए समग्र रूप से क्रियान्वित की जाने वाली शासन की नीतियों कार्यक्रमों परियोजनाओं को लक्षित किया गया है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में
मुफ्त यात्रा की व्यवस्था किया जाना है। नगरीय परिवहन की बसों से घटित होने वाली दुर्घटनाओं की दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में बताया गया कि मृत यात्रियों के आश्रितों को 50,000 रुपए, घायल यात्री को 5,000 तथा गंभीर रूप से घायल यात्री को 20,000 रुपए की तत्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह, RDO अनीता सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसमें 4 महीने का अभी 30 दिसंबर 2021 से ऑडिट को कराया जाएगा सर, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। DM और SSP चेंज हो गए हैं, उनके नाम की जगह इस जो है मंडल में ठीक चेंज करने के लिए सर, ये भी अनुमोदन के लिए। तो मैंने अभी जैसे लोगों से बात की, स्थिति ये यहाँ सर किसी चार्टेड अकाउंटेंट की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं भी आया है। बाकी कई लोग हैं गोरखपुर में, वैसे तो या तो हम विज्ञप्ति टाइप की जारी कर पाएंगे। ठीक है, और सीवी मंगा लेना, किसी को 28 कर दिया हुआ फिर CAG में एक फर्स्ट ऑडिटर जो भी हम लोगों का रहा है वो ऑडिट CAG के माध्यम से ही करा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, पत्रकारों, दिव्यांगों, विशिष्ट वाले जो है, इसके अलावा ये 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं वगैरह, इस तरह का पहले जो नियम रोडवेज में चल रहे हैं वही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है वही अप्लाई हो, लेकिन शासनादेश है तो उसमें आप लोग अब ये तो ठीक है। इसमें शासनादेश क्या है, ये सब है लगा हुआ इसके बाद अजीत सिंह संयुक्त निदेशक, इनका भी है तो नगरीय परिवहन निदेशालय के संयुक्त निदेशक साहब जो है उनका भी सब लगा, इसमें यात्री की सुविधा उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। इसमें क्या डिस्काउंट है या नहीं, तो फ्री है, फ्री। हाँ, स्वतंत्र संग्राम सेनानी तो गिने चुने लोग रह गए हैं, दिव्यांग वगैरह और केवल किसी श्रेणी के जो है। इसमें सर आदेश भी है सर, सही निर्देश का आगे इसी तरह से नेक्स्ट में जो है हमारे जितने भी एक्सीडेंट हो जाता है सर, इसमें भी रोडवेज वाले इसमें भी रहता है। ये लागू होगा सर, अच्छा। फिर उसके बाद ये आ जाता है रोडवेज के नगर निगम के और पुलिस विभाग के, क्योंकि रोडवेज का तो ठीक है उनके जो रहता है स्टाफ जो है उनको निःशुल्क वाली रहता है, नगर निगम या पुलिस विभाग वालों को आप फ्री करना चाहें सर। तो इस पर क्या जीव हो रहा है, अब जियो तो वैसे तो उसका कुछ सर, इसमें हम लोग को जैसे रोडवेज में है तो रूप से तो वैसे सर वो कोई ले जा अलग बात है, लेकिन सर वैसे पास सिस्टम आ गया सर, और ये सर अदर डिपार्टमेंट्स का है तो इसलिए और जगह भी नहीं है सर, नहीं है और जगह। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। NDRF, SDRF और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एयरफोर्स पुलिस के जवानों द्वारा किया गया मॉक ड्रिल, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, टीम वर्क के साथ सफलता पूर्वक हुए मॉक ड्रिल को देख कर लोग रह गए दंग। भारत सरकार के वन विभाग और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सर्किट हाउस में पौधारोपण कर अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। भाई की पिटाई की शिकायत करने गए युवक की पीट पीट कर की गई हत्या, मामला गुलेरिया थाना क्षेत्र के शिवपुर शहबाजगंज का। SP नॉर्थ ने कहा, मामले में गुलेरिया थाना में हत्या का दर्ज किया गया है मुकदमा, एक अभियुक्त को लिया गया है हिरासत में, बाकी अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है प्रयास, जल्द होगी बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी।
एडीजी जोन अखिल कुमार व मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मुख्यमंत्री जनता दर्शन व आईजीआरएस पर आई शिकायतों के फरियादियों के समस्याओं की जनसुनवाई, बारीकी से सुनी फरियादियों की समस्या, विवेचक से जाना पूरा मामला, समस्याओं को समय से निस्तारण के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी पड़ने वाले पर्व कांवड़ यात्रा व बकरीद को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। एसएसपी ने कहा, त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी पुलिस कर्मियों के साथ की जा चुकी है बैठक, दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जन शिकायतों के निस्तारण पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जन शिकायतों का निस्तारण ही पुलिस की है पहली प्राथमिकता। यदि कोई फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर थाने व अधिकारियों के पास है जाता तो उसके समस्याओं का वहीं पर किया जाए निस्तारण, फरियादी को ना लगाने पड़े कार्यालय के चक्कर। जनपद के ग्राम पंचायतों में क्लस्टर रोस्टर हुआ जारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों को दूर नहीं करनी पड़ेगी ड्यूटी, नजदीक मिलेगा सभी गांव। छह जुलाई को हत्या के आरोप में वांछित अभियुक्त विकास उर्फ राम चेलू को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग कोचिंग का हाटा विधायक मोहन वर्मा ने किया उद्घाटन। कोचिंग के डायरेक्टर कोलंबस वर्मा ने कहा, अमीर हो या गरीब, छात्र सभी को दी जाएगी एक समान शिक्षा। और पिपरौली स्थित माध्यमिक विद्यालय का सीडीओ संजय कुमार मीणा ने निरीक्षण कर किया पौधारोपण, प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय।
मटकू मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जन शिकायतों के निस्तारण पर कहा कि जन शिकायतों की सुनवाई एवं उसका निस्तारण गोरखपुर पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता के रूप में लिया जा रहा है। कोई भी फरियादी थाने पर या अन्य किसी भी अधिकारियों के ऑफिस में जाता है तो फरियादी की प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए, ताकि फरियादी की जो भी कार्रवाई होनी है वहीं से उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए जन शिकायतों की सुनवाई और उनका निस्तारण यहाँ की पुलिस की, गोरखपुर पुलिस की सबसे उच्च प्राथमिकता के रूप में इसको लिया गया है। भले ही वही कोई भी फरियादी, कोई भी प्रार्थी थाने पर या अन्य किसी अधिकारी के ऑफिस में जाता है तो उसको प्रॉपर जो उसका प्रार्थना पत्र है उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए जो उचित कार्रवाई है वो की जाए, उसका फीडबैक लिया जाए, उसका सुपरविजन किया जाए, ताकि फरियादी की जो भी कार्रवाई होनी है जिस लेवल पर भी उसके द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया वहीं से उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। शासन द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के ग्राम पंचायतों में क्लस्टर रोस्टर जारी किया गया, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि शासन द्वारा ग्राम पंचायतों में क्लस्टर बनाया गया है और जो ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति उसी ग्राम पंचायत में की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले शिकायत आती थी कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उसकी नियुक्ति दूर दूर तक की जा रही है, लेकिन अब क्लस्टर बनाकर एक सचिव को आस पास का ही गाँव दिया जाएगा जिससे कि किसी तरह की परेशानी ना हो। इस संबंध में पुनी से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा, देखिए शासन द्वारा वहाँ पे क्लस्टर बनाए गए हैं जिसमें हर क्लस्टर में शासन द्वारा निर्धारित ग्राम पंचायतें हैं। उस क्लस्टर में हम लोगों को जो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनको हम सचिव बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं, उनकी नियुक्ति करनी है। जिससे कि पहले शिकायत आती थी कि किसी सचिव को बहुत दूर दूर के गांव दे दिए जाते थे, बीच में किसी और सचिव का गांव है, फिर दूसरे सचिव का गांव आ जाता था। तो क्लस्टर बना के निर्धारित कर दिया गया है कि एक सचिव को जो आसपास की जितनी ग्राम पंचायतें हैं वही दें ताकि उसको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। राजघाट पुलिस ने हत्या में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को चकरा अव्वल अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विकास उर्फ रामचेलू पुत्र स्वर्गीय कुमार निषाद निवासी चकरा अव्वल थाना राजघाट जिला गोरखपुर के रूप में हुई है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि 5 जुलाई को नंद किशोर भारती पुत्र स्वर्गीय राम जतन निवासी हतवा टोला जंगल इकला नंबर 2 थाना गुलहर जनपद गोरखपुर के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। 4 जुलाई को अमरूद बाग चकरा अव्वल आया था एवं रात 7-8 बजे के बीच हरिओम पुत्र नंद किशोर भारती निवासी हतवा टोला जंगल इकला नंबर 2 थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर गांजा पीने के लिए अमरूद बाग चकरा अव्वल आया हुआ था, जहां पर उसको 2 साथी सनी उर्फ सनी पुत्र अशोक साहनी तथा विकास उर्फ रामचेलू पुत्र स्वर्गीय कुमार निषाद निवासीगढ़ अमरूद बाग चकरा अव्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर भी हुई हरिओम के साथ गांजा पी रहे थे। चिलम की साफी ना देने के बात को लेकर तीनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। क्योंकि हरिओम अत्यधिक नशे में था इसलिए सनी उर्फ सन्नी एवं विकास उर्फ रामचेलू ने मिलकर गमछे से गला कसकर हरिओम की हत्या कर दी, जिसमें अभियुक्त सनी उर्फ सन्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अभियुक्त विकास उर्फ रामचेलू को मुखबिर की निशानदेही पर आज दिनांक 7 जुलाई को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अनूप कुमार मिश्र, कांस्टेबल मंगलदीप यादव, देवेंद्र यादव, शैलेंद्र कुमार, अरविंद यादव शामिल रहे। गुरुवार को खजांची चौराहे के समीप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग कोचिंग का उद्घाटन हाटा विधायक मोहन वर्मा के द्वारा किया गया। कोचिंग के डायरेक्टर कोलंबस वर्मा ने बताया कि इस कोचिंग में युवाओं को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाएगी। इस कोचिंग में दिल्ली के शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाएगी, जो बच्चे
अधिक पैसा खर्च करके एवं अपने घर से दूर दिल्ली मुंबई गुजरात इलाहाबाद जाकर अपनी पढ़ाई की तैयारी करते हैं वो अपने पूर्वांचल में ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस कोचिंग में चाहे अमीर या गरीब छात्र हों सभी को एक समान शिक्षा दी जाएगी। अगर जो गरीब छात्र हैं उसकी कैपेसिटी 70,000 देने की जगह 20 देने की है तो वो तब भी उसकी तैयारी पूरी कराई जाएगी। इस कोचिंग में नीट मेडिकल फाउंडेशन कोर्स और एडवांस कोर्स की तैयारी कराई जाएगी। इस अवसर पर मैनेजर दीपांशु श्रीवास्तव, फाउंडर डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर मनीषा सिन्हा मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग कोचिंग के डायरेक्टर कोलम्बस वर्मा ने कहा कोशिश करते हैं मतलब पैसा दे देते हैं एक बार इकट्ठा करके, लेकिन अगर एक बार में नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाती है क्योंकि फिर वो डिजास्टर हो जाता है उनके फैमिली के लिए। क्योंकि एक बार सारी 1.5-2 लाख रुपए फीस अगर दे दिया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल का क्या। तो उसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए जो उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, मैं अपनी एजुकेशन सिस्टम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहा था तो मैं वहाँ पर फिर UPSC सिविल सर्विसेज का भी प्रिपरेशन किया हूँ, मतलब मैंने अपनी लाइफ टाइम दे दी। एक वही एग्जाम है जिसको मैंने क्वालिफाई नहीं किया सर। इस कोचिंग का उद्देश्य तो कोचिंग का उद्देश्य वही है, जो विज़न डेवलप हुआ है, जो इंस्पिरेशन डेवलप हुआ वही हुआ कि ऐसे बच्चों की नीड्स को फुलफिल करना है, बेटर करना है। जो जिनके पास कैपेबिलिटी तो होती है करने की, वो ड्रीम भी देखते हैं। जैसे ये नीट की कोचिंग है, नीट हमने अभी स्टार्ट किया है, तो इसमें मेडिकल की कोचिंग है, मतलब डॉक्टर बनाना है। जिनको डॉक्टर बनना है फ्यूचर में, लेकिन कैपेबिलिटी है, थिंकिंग भी है, थॉट भी है, ड्रीम है, लेकिन या तो सही कोचिंग नहीं मिल पा रही है क्योंकि कोचिंग में क्वालिटी अब डाउनग्रेड हो गई है, लोकल जगह पे क्वालिटी डाउनग्रेड हो जाती है,
अगर दो तीन कोचिंग चल रही है, डाउनग्रेड हुई तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है, और दूसरा होता है कि उनके पास पैसे कम होते हैं। तो हमारी कोचिंग का उद्देश्य यही है कि मतलब वैसे स्टूडेंट्स की स्पेसिफिकली जो नीड्स है उसको फुलफिल करना, मतलब पूरी करना। इसीलिए हमने अलग से कंसेशन स्पेशली दिया है कि EWS और BPL कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशल कंसेशन दिया जाएगा। हमने उसमें मेंशन नहीं किया क्योंकि हम वो बात करेंगे तब पता चलेगा किसको कितनी रिक्वायरमेंट है। सब जो बाहर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या नहीं सुनाई नहीं दिया, क्या बोला आपने? बाहर में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए उनके लिए जाते हैं, जो बाहर में बच्चे जाते हैं उन्हीं के लिए हम यहाँ पे क्वालिटी, जब हमारे पास बच्चे आएंगे हम उनको क्वालिटी एजुकेशन देंगे, उनको मतलब सिलेक्शन देते हैं हम प्रॉपर, और उनको ये लगता है कि नहीं ये मतलब जो यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, जो कोचिंग का उद्देश्य है जैसे हमने जो प्रॉमिस किया है वो फुलफिल हो रहा है, तो वो अदर लोगों को बोलेंगे क्योंकि हमें बच्चे मिलेंगे तभी हम बोल पाएंगे कि हम क्वालिटी दे रहे हैं। बच्चे नहीं रहेंगे जब तक, तब तक हम पता नहीं चलेगा कि हमारी क्वालिटी क्या है। तो रोकने के लिए उनको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं रोक सकते कि तुम जाओ नहीं भाई, हैं, हम किसी को नहीं रोक सकते, उसको जाना है तो जाएगा, नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो एक बच्चे से दूसरा बच्चा जो होगा वो स्प्रेड करेगा इन्फॉर्मेशन को। तो हो सकता है कि एक दो साल तीन साल लग जाए, लेकिन हम जो जो पलायन है ना, जो कोटा की तरह लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और कहीं स्पेशली जो सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर जाने से मतलब, क्योंकि वहाँ खर्च बहुत है, जाने के लिए खर्च बहुत है और अपने घर से डिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो तब हम रोक सकते हैं। पूरी कोशिश है हमारी क्वालिटी एजुकेशन देने की, जो कोटा या दिल्ली जैसी जगह मिलती है उससे बेस्ट क्वालिटी या उस जैसी क्वालिटी हम यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो गरीब कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए क्या सुविधा? गरीब कैटेगरी के छात्रों के लिए हमने मतलब सारी फैसिलिटी तो सबके लिए है, जो भी बच्चा आएगा सबके लिए सेम फैसिलिटी है, लेकिन गरीब छात्रों के लिए सबसे प्रॉब्लम होती है फीस की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबों के लिए फीस की होती है कि भाई हम इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी 60-70 हज़ार 80 हज़ार या फाउंडेशन कोर्स का है, 1-1.5 लाख 2 लाख जो भी है। तो हमारा उनका मेरा उद्देश्य उनके लिए वही है कि वो जो भी गार्जियन आएगा हम उसकी कैपेबिलिटी को देखेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे बोल दें तो फिर हमारा इंस्टीट्यूशन रन नहीं कर पाएगा। हमें बेसिक मिनिमम नीड तो चाहिए, टीचर्स के लिए चाहिए, हम डेली से टीचर बुला रहे हैं जो भी, तो उनको बेसिक मिनिमम नीड चाहिए। हम वहाँ से छोड़ के आए हैं प्रोफेसर या अदर साइंटिस्ट की जॉब, तो हमको बेसिक मिनिमम नीड चाहिए यहाँ पर रहने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। उसके अलावा कैपेसिटी जितनी भी होगी, 70 हज़ार की जगह अगर उनकी कैपेसिटी 20 हज़ार देने की है तो भी हम पढ़ा देंगे बच्चों को। ये है गरीबों के लिए, इसीलिए हमने कहा EWS और BPL के लिए कि वो बच्चे आएंगे, गार्जियन आएंगे, बात करेंगे, हम बात करने के बेसिस पे उनको जितना मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी रहेगी कि इतने में हम कर सकते हैं हम कर देंगे। किस चीज़ की तैयारी कराइए सर यहाँ पे? अभी फिलहाल हम नीट मेडिकल की तैयारी कराएंगे, इसमें तीनों मतलब फाउंडेशन कोर्स और एडवांस कोर्स, मतलब जो करेंट ईयर में एग्जाम देंगे नीट मेडिकल का, और टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट ईयर का पर्पज है कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे IIT JEE वाला भी, लेकिन इन स्टार्टिंग हमने इससे की है। CDO संजय कुमार मीणा ने पिपरौली स्थित माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में CDO संजय कुमार मीणा ने बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरौली का निरीक्षण किया गया है तथा विद्यालय पर पौधारोपण किया गया। इसके अलावा जो विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाए थे उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के संचालन व छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा छात्रों को शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई है कि वो पढ़ाई करके अपने जिले व देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीणा ने कहा, आज दो वजह से जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहला जो कार्यक्रम है वो है वृक्षारोपण। तो सभी लोग जानते हैं वृक्षारोपण करना क्यों जरूरी है, जानकारी है सभी को? पेड़ पौधों के बारे में कोई बताएगा बच्चा? अच्छा, उसके अलावा सांस भी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, भोजन मिलता है। अच्छा, तो उसके अतिरिक्त और कोई? पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरौली और जुड़ियान पब्लिक स्कूल, दो विद्यालयों में मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जहाँ पे मुख्यतः वृक्षारोपण का कार्यक्रम था तथा जो विद्यार्थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे 6th, 7th और 8th क्लास में, उनको IGL कंपनी द्वारा पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम था। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो विद्यालय संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या सुविधाएँ हैं,
किस तरीके से हम और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या समस्या है, उसके बारे में भी चर्चा की गई थी। छात्रों को दिशा निर्देश भी आपके द्वारा दिया गया है, संबोधित किया गया। जी जी, छात्रों को ये दिशा निर्देश दिया गया था कि जो शिक्षा है उसको हम किस तरीके से अपने डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए और पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसी के बारे में उनको प्रेरित किया गया था ताकि वो आगे बढ़कर स्वयं का, इस प्रदेश का और पूरे देश का विकास कर सके। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। NDRF, SDRF और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एयरफोर्स पुलिस के जवानों द्वारा किया गया मॉक ड्रिल, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, टीम वर्क के साथ सफलतापूर्वक हुए मॉक ड्रिल को देख कर लोग रह गए दंग। भारत सरकार के वन विभाग और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सर्किट हाउस में पौधारोपण कर अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। भाई की पिटाई की शिकायत करने गए युवक की पीट पीट कर की गई हत्या, मामला गुलेरिया थाना क्षेत्र के शिवपुर शहबाजगंज का। SP नॉर्थ ने कहा, मामले में गुलेरिया थाना में हत्या का दर्ज किया गया है मुकदमा, एक अभियुक्त को लिया गया है हिरासत में, बाकी अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है प्रयास, जल्द होगी बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। ADG जोन अखिल कुमार व मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने मुख्यमंत्री जनता दर्शन व IGRS पर आई शिकायतों के फरियादियों के समस्याओं की जनसुनवाई, बारीकी से सुनी फरियादियों की समस्या, विवेचक से जाना पूरा मामला, समस्याओं को समय से निस्तारण के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी पड़ने वाले पर्व कांवड़ यात्रा व बकरीद को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी, SSP ने कहा, त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी पुलिस कर्मियों के साथ की जा चुकी है बैठक, दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक, मंडलायुक्त रवि कुमार NG की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जन शिकायतों के निस्तारण पर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जन शिकायतों का निस्तारण ही पुलिस की है पहली प्राथमिकता, यदि कोई फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर थाने व अधिकारियों के पास है जाता तो उसके समस्याओं का वहीं पर किया जाए निस्तारण, फरियादी को ना लगाने पड़े कार्यालय के चक्कर। जनपद के ग्राम पंचायतों में क्लस्टर रोस्टर हुआ जारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों को दूर नहीं करनी पड़ेगी ड्यूटी, नजदीक मिलेगा सभी गांव। छह जुलाई को हत्या के आरोप में वांछित अभियुक्त विकास उर्फ राम चेलू को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग कोचिंग का हाटा विधायक मोहन वर्मा ने किया उद्घाटन, कोचिंग के डायरेक्टर कोलंबस वर्मा ने कहा, अमीर हो या गरीब, छात्र सभी को दी जाएगी एक समान शिक्षा। और पिपरौली स्थित माध्यमिक विद्यालय का CDO संजय कुमार मीणा ने निरीक्षण कर किया पौधारोपण, प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।